कामकाजी चींटियों के साथ होगी रिसाइकलिंग। अगर मैं कुछ समय घर में ध्यान ना दूं, तो ये जगह बेकार चीजों से भर जाती है। ये पैन भी बेकार है। मॉम तो इसे भी फेंक रही है। क्या बात है नोबिता? इसे देखो, ये सब बेकार की चीजें हैं। ओ तो ये बात है। कुछ हो सकता है? देखता हूँ। वाका एंड। इसके अंदर रोबोट एंड्स है नोबिता। जैसे कि कैसे बताऊँ, अगर मुझे टॉय कार चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ये तो एंड्स बाहर आ रही है। और ये चींटियां बेकार के सामान को नई चीज बना देंगी। ये फ्यूचर की रिसाइकल रोबोट्स हैं। रिसाइकल मतलब पुराने न्यूज़पेपर्स को टॉयलेट पेपर में बदल कर उन्हें यूज करना। बिल्कुल ठीक समझा। और इस गैस से आयरन या एल्युमिनियम बन सकता है और ग्लास को पिघलाकर उसे नया रूप दे सकते हैं। ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी है नोबिता। जैसे अगर मैं किसी मेटल को इसके अंदर डालूं तो वो काम की चीज बनकर बाहर आएगी। और ये जो मिस्टर एंट है, जिनके पास तरकीबें हैं, वो चीजों को बदल देते हैं। शायद कुछ ज्यादा ही समझा दिया। ये देखो, ये सारी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। अरे ये तो सच में खाली गैस लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है इस बॉडी को, खाली कैन और बाकी के पार्ट्स को प्लास्टिक से बनाया गया है नोबिता। अरे वाह। अरे ये ड्रायर फिर से खराब हो गया। ये ड्रायर भी बना सकते हैं ना? बना सकते हैं, अगर एलिमेंट्स एक ही मटेरियल से बने हो तो। फिर तो काम हो गया। स्टोर रूम में काफी सारा सामान भरा हुआ है। ये फ्राइंग पैन क्यों ले जा रहे हैं? ड्रायर में ऐसी वायर की जरूरत पड़ती है जिससे हवा गर्म हो जाती है। और फ्राइंग पैन के इस मटेरियल से ड्रायर की वायर बनाई जा सकती है। ये तो दिखने में फ्राइंग पैन जैसा हो गया। ये देखने में कितना अच्छा है। मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? अरे वाह, मदद के लिए शुक्रिया। डोरेमोन, मैं इसे शिज़ुका के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ। चले चलो, चले चलो। इसका क्या करोगे सुनियो? फेंकने जा रहा हूँ। पर ये चीजें तो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तुम तो जानते ही हो ना हमारी फैमिली को, कुछ समय तक चीजों को इस्तेमाल करके हम बोर हो जाते हैं। तो क्या मैं ये सब ले सकता हूँ? क्या तुम्हें ये चाहिए? हाँ हाँ ले लो ले लो। सचमुच? ये तो बहुत सामान है, इससे काफी कुछ बनेगा। हे? याद रहे, भूल कर भी दोबारा इसे लौटाने मत आना। कभी मत कहना वापस ले लो, मैं तुम्हें दे चुका हूँ नोबिता। ये तो कमाल का है। ये गर्ल्स क्लब से बनाया गया है नोबिता, जिसे रियल टाइटेनियम से बनाया गया है। मैं तुम्हें देख रहा था, ये रोबोट मेरे बेकार सामान से तुमने बनाया है। हाँ तो क्या हुआ? तो मैंने वापस ले लिया। पर तुमने हमें इसे दिया था और ये भी कहा था कि इन्हें वापस मत लौटाना। तुम बहुत मतलबी हो सुनियो। हाँ तुमने सही सुना। अरे तुम्हारे पास तो अच्छा रोबोट है। ये मेरे बेकार सामान से बनाया गया है। वाह ये बात है, इसका मतलब और भी कुछ बनाया जा सकता है ना? ठीक है, प्लीज मेरे लिए बेसबॉल की यूनिफॉर्म बना दो और वो भी बहुत बढ़िया। हे, मैंने इनसे यूनिफॉर्म बनाने के लिए कहा है, तो फिर ये खाली बोतल क्यों इकट्ठा कर रही हैं? मुझे सच में नहीं पता जियान। उन दोनों के मटेरियल सेम है, यानी दोनों पॉलिस्टर से ही बनती हैं। क्या कहा, प्लास्टिक बकेट? बकेट नहीं, पॉलिस्टर। जो भी हो पर ये बहुत अच्छी है। अरे वाह, मैं भी ऐसा यूनिफॉर्म बनाऊंगा। यूनिफॉर्म बनाने के बाद भी तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। अरे नहीं, आज बहुत इम्पोर्टेंट मैच है। फिर मिलते हैं। जियान बहुत बुरा है। बहुत मतलबी है। देखो किस तरह अपने कपड़े छोड़ गया वो।
शिज़ुका तुम? हाँ, नोबिता और डोरेमोन तुम? तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो मैं अपनी पियानो परफॉर्मेंस। तुम ठीक तो हो ना? ऐसे तो मैं अपनी पियानो परफॉर्मेंस के लिए नहीं जा पाऊंगी। आइडिया, इसे मैं ठीक करता हूँ। लो पकड़ो शिज़ुका। ये क्या है? तुम्हें जैसी ड्रेस चाहिए वो इस माइक से रिक्वेस्ट करो। एक ड्रेस चाहिए जो पियानो परफॉर्मेंस के लिए पहन सको प्लीज। शिज़ुका, ये मिस्टर एंस है जो तुम्हारे ड्रेस के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। ये काफी सारी चीजें बना लेते हैं, लेकिन कपड़ा प्लास्टिक या पेट बॉटल से नहीं बनती, तो किससे बनेगी? अरे नहीं, ये तो मुसीबत हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। अब मुझे चलना चाहिए। फिर मिलेंगे। ये बहुत गलत हुआ। शिज़ुका कितनी खुश दिखाई दे रही थी ना। पर जियान के कपड़े चले गए, उसका क्या? जियान अपने कपड़े यही छोड़ गया था और चींटियों को लगा वो बेकार के हैं। अरे हाँ। वैसे मेरे पास उसके लिए एक आइडिया है डोरेमोन। फिर से कोई शैतानी करोगे? हम वो बनाते हैं जो आप चाहते हैं। कीमत सिर्फ 50 रुपए। क्या तुम कभी कुछ अच्छा नहीं सोच सकते नोबिता? आपके पुराने सामान के बदले आपको मिलेगा सस्ता सामान, वो भी कम दामों में। तुम क्या बना सकती हो? अगर तुम 50 रुपए दो तो हम कुछ भी बना सकते हैं। तुम्हारा धन्यवाद। आइए आइए, आप सबका स्वागत है। एक बाइसिकल बना दो ना, मुझे एक सोफा चाहिए। हमें बस आपका बेकार सामान चाहिए। ठीक है, एक एक करके। हम काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं डोरेमोन। और बेकार का सामान अब काम का सामान बन गया है। सुनो, हमें और कोशिश करनी चाहिए। ये काम करने में तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो नोबिता। वो देखो वहाँ। ये बहुत बुरी बात है, इस तरह सामान नहीं फेंकना चाहिए। जो भी हो डोरेमोन, ये हमारे लिए खजाने से कम नहीं। अगर थोड़ा और कमा ले तो कितना अच्छा होगा ना। चलो अब रिवर क्लीन करने के बारे में सोचा जाए। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। ढूंढ रहे थे। मुझे मेरे कपड़े वापस करो। पर जियान, तुम्हारे कपड़े नहीं है। हमें जियान के कपड़े नहीं मिल रहे हैं। इसमें मेरी गलती नहीं है, वो तो चीटियाँ उठाकर। ये सब नोबिता की वजह से हुआ है। इसका मतलब तुमने मेरे कपड़ों से कुछ बना दिया है ना? आखिर तुमने मेरे कपड़ों के साथ क्या किया? जियान, तुम अपने कपड़े वहीं छोड़ गए तो चींटियों को लगा वो कोई काम की नहीं है। तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था ना। दरअसल डोरेमोन, चाहे जो भी हो मेरे कपड़े वापस करो। अच्छा अच्छा, रुको। इस बॉक्स पर जो लाल बटन है उसे दबाकर रीसेट करता हूँ ताकि सामान असली रूप में आ जाए। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो सारा बेकार का सामान हमारे रूम में आ जाएगा डोरेमोन। बिल्कुल ठीक कहा। यही वो बटन है। जियान, उसे मत दबाना। चुप रहो, अभी इसे दबाता हूँ। अरे ये क्या है? नोबिता, रुक जाओ। नोबिता, कहाँ भाग रहे हो? अभी तो ये तुम्हें रोक रहा था। रुक जाओ। डोरेमोन, सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म ही है जो वापस अपने रूम में बदली है। रुक जाओ। ये हेयर ड्रायर को क्या हुआ? देखो मेरी डायमंड रिंग। कैसे हो? ये क्या हो गया? डोरेमोन, कहीं शिज़ुका की ड्रेस भी अपने पुराने ड्रेस में बदलना गई हो। नोबिता, अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता हूँ रुक जाओ। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। अब
अभी तो वो पियानो बजा रही है। उसका ध्यान अभी सिर्फ परफॉर्मेंस की ओर है। मुझे यहाँ से साफ दिखाई नहीं दे रहा। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते नोबिता। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। Come on.